तो मेरा दीदी फिर से आप यूट्यूब चैनल ज्ञान स्वागत करता हूँ। साथ स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो जो लेके आए हैं वो एक इस ऐसे व्यक्तित्व के लिए लेके आए हैं जिसको आप सब पूछते ही नहीं है, बट उनकी उनकी जो जीवन शैली है और उनको जो उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो आपके लिए एक आदर्श है। और आज जो 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 प्रसंग आज के दिन पर है, हनुमान जयंती, श्री हनुमान के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और उनके कुछ ऐसे गुण हैं, उनके ऐसे कुछ 10 गुण हैं जिनको आप अपने जीवन में ही नहीं उतार सकते, बट कि आप अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो जिसमें आप जो भी व्यवसाय करते हैं या आप सर्विस करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप किसी भी तरह की सेवाओं में जुड़े हुए हैं, तो आप उनके जो ये 10 गुण अगर सीख जाए तो आप अपने जो इस तरह के जो अपने कौशल है उसको आप निखार सकते हैं, उसको आप और अच्छा बना सकते हैं। सो आज है जो हनुमान जी के, मतलब हनुमान जी को हम एक हमारे एक प्रमुख देवता के रूप में मानते हैं और तुलसीदास ने हनुमान जी को वर्णन करने के लिए एक सिंपल सी उन्होंने एक हनुमान चालीसा बनाई है जिसका जिसको उन्होंने संस्कृत के व्याकरण से लेके उसे एक सिंपल सा लैंग्वेज, एक आम बोलचाल की भाषाओं में उसका वर्णन उनका वर्णन किया है। तो उनके मतलब तुलसीदास ने भी उनके बारे में एक लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बल बीरा। मतलब जो हनुमान जी है वो आपके हर संकट को आपको निवृत्त करते हैं। और आज के ज़माने में, स्किल इंडिया के ज़माने में, युवाओं के एक आप बोल सकते हैं कि एक आदर्श है। आपको एज अ युवा आपसे आपको उनसे बहुत सारा सीखने को मिल सकता है। तो आप ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बनाइए और जो 10 गुण जो है हनुमान जी के हम आज आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। पहला जो उनका जो गुण है जिसमें हम आज हमको जानना चाहिए वो है संवाद कौशल, मतलब बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन, कन्वर्जेशन, करस्पॉन्डेंस। आप अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। संवाद कौशल में आपने देखा होगा कि सीता जी से जब हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले थे तो उसमें सीता जी उन्हें नहीं पहचान सकी थी, उनको लगा कि ये वानर मतलब कहाँ से आ गया। तो हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से, अपनी बात करने की स्टाइल से, अपने विनम्र तरीके की स्टाइल से उनको कन्विंस किया कि मैं राम दूत हनुमान हूँ, मैं आपके लिए संदेश लेके आया हूँ, रामचंद्र जी का संदेश लेके आया हूँ। तभी जाके उन्होंने इस तरीके से उनको एक पूरा एक आप बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन किया, जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे टाइम हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ में, वैसे उन्होंने भी अपने आप को प्रेजेंट किया सीता माई को कि मैं राम दूत हनुमान हूँ। उनके लिए लिखा गया है कि सुंदरकांड में एक प्रसंग है जिसमें उनके बारे में लिखा गया है, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन कम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। मतलब हनुमान जी के जो प्रेम व्यक्त जो जो शब्द थे वो सुनकर सीता जी के मन में विश्वास आ गया। अगर आप भी अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी तरीके से, अच्छे वर्ड्स के, अच्छे सेंटेंस से या फिर अच्छी भावनाओं से अपने अपनी बातों को रखेंगे तो आपके सब जितने भी आपके कलीग हैं, आपके सीनियर जूनियर और आपके साथ काम करने वाले या आपके आप बोल सकते हैं आपके जितने भी क्लाइंट है या कस्टमर है वो जरूर कन्विंस हो गए। उसी तरह से जिस तरह से हनुमान जी ने सीता माई को कन्विंस किया था कि मैं रामदूत हनुमान हूँ, सो इसी तरह से एक ये जो गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा जो गुण है वो है विनम्रता। विनम्रता, आप कोई भी काम के लिए आपको विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। समुद्र लागते वक्त जब हनुमान जी जब समुद्र लाग रहे थे तभी देवताओं ने उनके उनकी परीक्षा के लिए सुरसा करके एक राक्षसनी थी जो समुद्र में रहती थी उसको मतलब भेजा। तभी सुरसा ने जैसे जैसे मतलब सुरसा उनको उनको देख के अपने शरीर का विस्तार करने लगी। तभी हनुमान जी ने अपना जैसे सुरसा कुछ अपने शरीर को विस्तार करती वैसे हनुमान जी बड़े उनसे 2 गुना बन जाते। तो इसके लिए कहा गया है जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दौन कापी रूप देखावा। मतलब जैसे जैसे सुरसा बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे कपि भी, मतलब जो हनुमान है जो श्री बजरंग बली है, वो भी अपने रूप को 2 गुना उनसे कर रहे हैं। और अंत में क्या होता है, एक छोटा सा रूप बना के सुरसा की जो इच्छा थी कि भई मुझे आपको खाना है, तो उनके मुँह में जाकर वापस बाहर आ जाते हैं और इससे सुरसा की भी इच्छा पूरी होती है। और उन्होंने किसी भी तरह की मार या किसी भी तरह के मतलब उनको अगर उनके पास इतनी ताकत थी कि सुरसा का सामना कर सकते थे, बट उन्होंने अपने विनम्र तरीके से किसी भी स्त्री पर हाथ ना उठाने की उन्होंने जो कसम खाई थी वो उन्होंने पूरी की। तो हमेशा आपको भी अपने कार्य में, हमेशा अपने से छोटे हो या बड़े हो या आप उनसे कोई संबंध रखते हो या नहीं रखते हो, आपको हमेशा विनम्र होना चाहिए। और विनम्रता ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है जो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर सीखनी चाहिए।
उसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट है इसमें है, कोई भी अपने जो आदर्श है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, उससे कभी समझौता नहीं कीजिए। जो आपने आइडियोलॉजी अपने तरीके अपने लाइफ के लिए बनाए हैं, या जो अच्छी आइडियोलॉजी आपने सीखी है, वो आपने अपने बिजनेस के लिए जो बनाई है, उसको कभी भी आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। जैसे कि इसमें एक प्रसंग जो है, जब लंका में जब हनुमान जी को उपवन से पकड़ लिया जाता है और मेघनाथ जो है उनको मतलब उनको युद्ध में मतलब उनसे बीच में युद्ध होता है, तब हनुमान जी के ऊपर मेघनाथ जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और आपको मालूम है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसकी शक्ति को कोई तोड़ नहीं कर सकता, पर हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति थी जो ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ कर सकती थी। पर ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए कि इस ब्रह्मास्त्र का मान रह जाए, और इसके मतलब आप बोल सकते हैं कि इसकी जो शक्ति है वो कभी कम ना हो किसी के सामने, तो उन्होंने क्या किया, उस ब्रह्मास्त्र के आघात को अपने अंदर समा लिया। और उन्होंने इसके इसमें बहुत बड़ा जोखिम उनके लिए हो सकता था, पर फिर भी उन्होंने उस चीज़ का जो जो उन्होंने जो जो ब्रह्मास्त्र के लिए आइडियोलॉजी थी कि भाई इस ब्रह्मास्त्र को कोई नहीं हरा सकता, उन्होंने वो आइडियोलॉजी को बना के रखा हुआ। तो जब भी आप भी अपने कोई भी आप कोई भी समझो आप जॉब कर रहे हैं, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते हैं, तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी को बनाना आपका एक कर्तव्य है, आपका एक धर्म है। तो सेम जब आप अपना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या अपनी कुछ समझो आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो आपकी भी खुद की आइडियोलॉजी होगी। तो वो आइडियोलॉजी को हमेशा एक बना के रखिए। जैसे एग्जांपल, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका आइडियोलॉजी है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपको अगर नुकसान झेलना भी पड़े तो आप ज़रूर झेलिए, ये आपकी आइडियोलॉजी को मेंटेन करती है। और आइडियोलॉजी जो होती है, जो आपके आदर्श होते हैं, वो आपको महान और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन को और भी महान बनाते हैं। सो आप ये जरूर बात तीसरी बात को जरूर ध्यान रखिए। चौथी बात इसमें जो है, बहुमुखी भूमिका में हनुमान। मतलब क्या कि जब ज़रूरत हो तब वैसा बन जाइए। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति का अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं ज़रूरत होती है वहाँ पे भी जगह पे कर लेते हैं, या जहाँ पे ज़रूरत कम होती है वहाँ पे ज़्यादा कर लेते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे कम कर लेते हैं। बट हनुमान जी के रूप में कहा जाता है, तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है, सूक्ष्म रूप धरी सीही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। मतलब जब उनको सीता जी से मिलना था तो उनके सामने वो विकट रूप मतलब बड़ा रूप लेके नहीं गए, वो एक छोटा सा रूप जो है लेके गए वानर का, और उन्होंने सीता जी से बात की। जब उनको जब लंका को जलाना था, जब लंका को उनको जलाना था, तब उन्होंने विकट रूप धारण किया और पूरी लंका को जला दिया। तो उसी तरह से आपको जब ज़रूरत है, जब आपको विनम्र या छोटा होना है तो आप छोटा हो जाइए, और जब आपको बड़ा होना है तो बड़ा हो जाइए। आपको अपने राइट्स और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ये पॉइंट में ये आपको समझाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो पांचवा पॉइंट है, समस्या नहीं समाधान स्वरूप। मतलब आप प्रॉब्लम मत बनिए, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनिए, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, या आप अपने लिए कुछ भी बनाते हैं तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। आप हमेशा जो भी चीज़ को करें उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की तरह सोच के कीजिए। प्रोडक्ट आप तभी बेच पाएंगे जब वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला होगा, ना किसी प्रोडक्ट होगा। सो आपको हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस रखना चाहिए आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जब लक्ष्मण को जब मेघनाथ ने जब उन्होंने मूर्छित कर दिया लक्ष्मण को, तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, और उन्होंने जो ये जो पूरा है कि उन्होंने उनको ज्ञान नहीं था कि कौन सी संजीवनी बूटी, बट पूरा का पूरा पहाड़ लेके आए, बट फिर भी उन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम किया। तो सेम आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का, आप भी अपने परिवार का एक आप बोल सकते हैं कि आप हनुमान जी बनिए। इसके बाद भावनाओं का संतुलन, ये छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कंट्रोल योर इमोशन, आप इंग्लिश में बोले तो। लंका में दहन के पश्चात जब वो दोबारा सीता जी के पास गए, मतलब जब लंका दहन हो गया, जब पहले सीन था कि लंका जब वो लंका गए थे, वाटिका में गए और सीता जी से मिले, पर बाद में जब उनको पकड़ा गया, उन्होंने रावण के सामने प्रस्तुत किया गया, तब बाद में उन्होंने लंका को जलाया। तो जब लंका जलाने के बाद वापस से वो सीता जी को मिलने गए, मतलब आप बोल सकते हैं कि उनमें कितना मतलब वो विनम्रता रहेगी, कितनी वो नैतिकता रहेगी कि आप अपने से बड़े को हमेशा आदर दें। तो जब लंका से जलाने के बाद वो वापस से अपने जो आशीष लेने के लिए सीता जी के पास पहुँचे, तो सीता जी से कहा कि वह चाहे तो अभी उनको उड़ा के लेके जा सकते हैं। उनको ये सब बोला कि मैं आपको अभी उड़ा के ले जा सकता हूँ, पर मैं रावण की तरह चोरी से आपको नहीं लेके जाऊँगा, मैं रावण का वध करने के पश्चात ही यहाँ से श्री प्रभु श्री राम के आदर्श सहित आपको लेके जाएंगी। तो उनको उन्होंने एक वचन दिया उनको,
मतलब कि अभी उनकी भावना थी कि मैं अभी का भी आपको लेके जा सकता हूँ, बट वो उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। वो चाहते थे कि ये जो नारी जो है इसको एक आदर्श, मतलब आपको बोल सकते हैं रिस्पेक्ट मिले इस समाज में। इसके लिए उन्होंने उनको लेकर जाके उनको श्री राम के थ्रू जब युद्ध हुआ, श्री राम ने रावण को हराया, उसके बाद वो लेके गए। तो हमेशा आपको अपनी भावनाओं को इमोशन में कंट्रोल करना चाहिए। जब अच्छा समय हो तो आपको और ज़्यादा कॉशन होना चाहिए, और बुरा समय हो तो आपको कॉशन तो होना चाहिए बट उसके साथ साथ आप अपने जो भी आजू बाजू की जो भी एटमोसफेयर है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कंट्रोल ऑफ इमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहीं भी काम करें या कुछ भी बनाए या कुछ भी आप वर्क करते हैं या कहीं भी आप अपनी सर्विस देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सातवां पॉइंट जो है वो है आत्ममुक्तता से कोसों दूर। आत्ममुक्तता मतलब क्या होता है कि जब आपने कुछ काम किया है तो उसकी बड़ाई हर जगह नहीं करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो जब सीता जी का समाचार लेके सकुशल जब हनुमान जी आप बोल सकते हैं कि पहुँचे वापस राम जी के पास, तो उन्होंने अपनी प्रशंसा नहीं की कि बेहद तो वापस जाके वाटिका जला दी, मेघनाथ को हरा दिया, रावण के दरबार में गया, लंका को जला दिया, वहाँ से वापस आया, तो उन्होंने अपनी प्रशंसा नहीं की। उन्होंने सीधा जाके राम जी को मिले, उनको नमस्कार किया और उन्होंने बोला कि सीता माई वहाँ पे सकुशल है, बराबर। बट प्रभु श्री राम ने फिर भी उनको पूछा कि भाई हनुमान तुम्हें उधर क्या क्या किया, तो उन्होंने सीधा सा एक सिंपल सा एक जो सुंदरकांड का एक काव्य है उसमें लिखा है, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नाही, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़ा वलनी, जा रे सके खलु तूल। मतलब क्या इसका कि हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो, मतलब वो राम जी से कह रहे हैं कि जिस पर आप प्रसन्न हो उसको कुछ भी कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो रुई भी है वो एक बड़े से बड़े, मतलब आप बोलते हैं कि लकड़ी को या बड़लावन जो बोलते हैं जो जलता है उसको जला देती है। तो हमेशा ये मतलब आप अर्थात इसमें क्या असंभव भी संभव हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने एक सिंपल अपनी नेचर को रखते हुए उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की बट उन्होंने सीधा ये कहा कि राम जी की कृपा से सब कुछ हुआ है। तो ये सब उन्होंने मतलब इस तरह से मतलब आप बोल सकते हैं कि बड़ाई से कभी भी दूर रहिए, अपनी खुद की बड़ाई कभी मत कीजिए, और जितना हो सके जो बड़ाई है उसको मतलब अपनी जो अपनी अचीवमेंट है वो हमेशा थोड़ा उसको संभाल के रखिए अपने पास। फिर आठवां पॉइंट जो है वो है नेतृत्व क्षमता, मतलब लीडरशिप। लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, चाहे आप टीम लीडर हो या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के हेड हो या आप सिंपल से कोई कलीग मतलब एग्जीक्यूटिव हो या फिर आप अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप आपको बहुत महान बनाती है। आपने बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा जिनके मतलब आइडियोलॉजी पे लोग चलते हैं, तो सेम हनुमान जी में भी वो कला थी, उनके पास कला थी कि उन्होंने जितने भी अपने क्या बोलते हैं वानर सेना से उन्होंने सब काम करवाया, वो जो ब्रिज था, जो मतलब जो राम सेतु है उसको बनवाया, तो उसके बाद राम के साथ उन्होंने लंका में जो भी लड़ाई हुई, रावण के साथ जब लड़ाई हुई तो राम जी की सेना राम जी के लिए वानर सेना को तैयार किया लड़ने के लिए। तो ये सब पूरी जो कला है, ये पूरा जो मैनेजमेंट है वो हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने ही राम जी को बाली से सुग्रीव से मिलाया ताकि वो बाली से मतलब उनकी पत्नी को छुड़ा सके, और फिर बाद में पूरा मतलब आप बोल सकते हैं उनको मतलब पूरा एक साथ दे सकते थे सुग्रीव। इसके लिए उन्होंने पूरा ये मैनेजमेंट उन्होंने किया था। तो आप में हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, किस व्यक्ति को कहाँ पे यूज़ करना है, किस व्यक्ति से कब का क्या काम करवाना है, कैसे किसको बोल के काम करवाना है, किस तरह से मतलब आपको पूरा सिस्टम को मैनेज करना है, वो सब आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब लीडरशिप क्वालिटी वाला नहीं होगा तो आप भले ही कौन सा भी प्रोडक्ट बना ले, आप कितना भी पैसा खर्चा कर ले, पर आपके पास अच्छी लीडरशिप नहीं है या आपके पास अच्छी मेंटरशिप नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर इसके बाद आता है बौद्धिक कुशलता और वफादारी। बौद्धिक कुशलता वफादारी में आप देखेंगे तो मैं एक जो इंसिडेंट है उनका, जो इंसिडेंट नहीं कह सकते, जो एक रामायण का एक पार्ट है, सुग्रीव और बाली के परस्पर में जब संघर्ष हुआ तो उस वक्त प्रभु श्री राम की बाली के वध के लिए राजी करना था, क्योंकि एक सुग्रीव ही थे जो राम जी को हेल्प कर सकते थे सीता जी को पाने के लिए। इस तरह हनुमान जी ने क्या किया कि प्रभु श्री राम हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि कौशल मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि को यूज़ किया और चतुराई से सुगम बना दिया, ईजी बना दिया। जहाँ हनुमान जी के मित्र के प्रति वफादारी मतलब जो सुग्रीव जो थे वो उनके मित्र थे तो वफादारी उनकी हो गई, और राम जी के प्रति अपनी जो भक्ति है आदर्श स्वामी भक्ति वो उन्होंने प्रस्तुत किया।
तो इसी तरह से आप भी अपने जब ऑर्गेनाइजेशन में आप जब भी जाएं या आप अपना कुछ करें तो पहले तो आपकी अपनी बौद्धिक कौशलता आपकी यूज़ करनी चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आपकी जो सेल्फ मेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपको बहुत ध्यान होना चाहिए। और हमेशा अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वफादारी रखना चाहिए, किसी भी तरह की चीटिंग या किसी भी तरह की फ्रॉड से अवॉइड करना चाहिए, तो कई तभी जाके आप इस तरह के मतलब सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप जब जितने भी आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े जो CEO है जो आप देख सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं रतन टाटा, वो अपने टाटा ग्रुप के लिए बहुत ही वफादार है और बहुत ही उन्होंने अपनी बौद्धिक कौशलता से उस ग्रुप को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। सेम आप किसी भी एंटरप्रेन्योर के नाम लीजिए जो बड़े बड़े हैं, उन्होंने इस तरह से ही काम किया है। इसके बाद समर्पण, समर्पण मीन्स सेक्रीफाइस, राइट। सो हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे, मतलब उनके पास टैग लगा हुआ है कि वो ब्रह्मचारी थे, बट उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपने अंदर पूरा अंदर मतलब समा लिया था। इवन कामदेव जो थे, मतलब जो कामदेव जो थे जो काम के मतलब आप देखता है, वो भी उनके साथ नतमस्तक हो गए थे। पर एक कुछ वाक्य है जिसमें जिसको हम लोग एक ऐसा कोई पौराणिक का आप बोल सकते हैं काव्य है जिसमें वर्णन किया गया है कि हनुमान जी विवाहित हैं, और वो विवाह के पीछे एक स्टोरी ऐसा थी जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो पराशर संहिता करके एक पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें ऐसा वर्णन किया गया कि हनुमान जी ने शादी की थी, बट वो शादी के पीछे का रीज़न ऐसा था कि सूर्यदेव को उन्होंने गुरु माना था, तो सूर्यदेव के पास से आप बोल सकते हैं कि 9 जो ज्ञान था जिसे मैं आप बोलते हैं अष्टश्री नवनिधि के दाता, राइट। तो वो जो नवनिधि जो है, वो जो 9 ज्ञान था वो जानने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु माना था। तो उन्होंने उस टाइम 5 जो थे वो ज्ञान तो ले लिए थे, बट 4 जो ज्ञान थे उनको लेने के लिए उनको विवाहित होना बहुत ज़रूरी था। तो वो जो उस प्रक्रिया में सूर्यदेव ने उनकी जो ये जो ज्ञान लेने की प्रक्रिया को आसान करते हुए उन्होंने अपनी जो बेटी जो सुर्वचला थी उनसे उनकी शादी करवा दी। और उसके बाद उसमें ऐसा कंडीशन था कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुरंत जो है सुर्वचला जो है तपस्विनी बन जाएगी और वो ध्यान में चली जाएगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने शादी तो की, बट वो हमेशा अपने जीवन में कभी पत्नी के पास नहीं आ सकाए और वो ब्रह्मचारी रह गए। इसी तरह एक और कहानी है जिसमें जिसमें बताया जाता है कि उनके पुत्र थे मकरध्वज, जो एक जब रावण की लंका को जला के जब समुद्र से जा रहे थे तो उनके जो पसीने से बूंद गिरने से एक मछली ने अंदर समा गए, तो उसके वजह से क्या हुआ कि उनको एक बेटा पैदा हुआ मकरध्वज करके। तो वो मकरध्वज भी हरि रावण जो रावण के भाई थे उसके साथ पाताल में रहते थे, वो पाताल में उनके उसके द्वारपाल का काम करते थे। तो जब रावण का जो प्रसंग होता है वहाँ पे अहिराम का जो प्रसंग होता है उसमें मकरध्वज उनको मिलते हैं। तो इस तरह से इनकी स्टोरी है, पर यहाँ पे जो पहली जो स्टोरी है जिसमें समर्पण जो सेक्रीफाइस जो है वो इधर मतलब आप बोल सकते हैं कि हनुमान जी ने किया, उन्होंने हमेशा ब्रह्मचारी का पालन किया। वो चाहते तो ज्ञान लेने के बाद वापिस से मतलब वैवाहिक जीवन कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने श्री राम की भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन जो है नौचावर कर दिया। और इसमें यह भी बताया जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए मतलब इतना उनको ज्ञान का मतलब प्राप्त करने का वो अंदर से डेडिकेशन था कि उन्होंने अपने जो 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 ब्रह्मचर्य मतलब वैवाहिक विवाह करना पड़ा तो कर लिया। तो इस तरह से आप भी अपने एज ए स्टूडेंट जीवन में आपको अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको जो चाहिए उसके लिए, जैसे आपको 24 घंटा मतलब आपको बहुत ज़्यादा तक पढ़ना पड़े तो पढ़िए उसको, जो अपने लक्ष्य गोल को निर्धारित किया उसको पाने के लिए आप अच्छे गोल को उसको जरूर मतलब मेहनत कीजिए उसके लिए। तो आपको उसके लिए आपको हमेशा समर्पण की भावना अपने मन में रखनी पड़ेगी। विदाउट सेक्रीफाइस आपको कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि सेक्रीफाइस इज मस्ट फॉर योर करियर, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको होता है कि आपको अगर समझो CEO बनना है या आपको अच्छे पोस्ट पर जाना है या आपको अपना बिजनेस ऐसा एक्सपांड करना है तो आपको हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपनी सोशल लाइफ से थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने कई सारे ऐसे फालतू जो काम होते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, आपको दोस्तों से भी दूरी बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको किसी तरह से महान या आपके लोग फॉलो करें आपको आइडियोलॉजी बनाए इसके लिए। सो इस तरह से हनुमान जी के 10 गुण हैं जो हम अपने कॉर्पोरेट कल्चर में, जो हमारे प्रोफेशनल कल्चर में, जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम एडॉप्ट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं।
इसके बाद ये हमारे लिए हनुमान जी एक सिर्फ मतलब आप बोल सकते भगवान ही नहीं है, एक आदर्श है जो जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिनके से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो यूथ है वो हनुमान जी के इस गुणों को ज़रूर एडोप्ट करेगी और हमारे जो भारत को और आत्मनिर्भर बना के इन गुणों को एडोप्ट करके आत्मनिर्भर बनाएगी और अखंड भारत की जो धारणा है उसको पूर्ण करेगी और जो आत्मनिर्भर भारत की धारणा है उसको पूर्ण करेगी और एक कौशल युक्त भारत बनाएगी, क्योंकि ये जो क्वालिटी है वो आपको एक कौशल युक्त युवा बनाएगी। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर शेयर कीजिए और जल्द और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कीजिए ताकि और अनेक युवा लोगों को तक ये जो वीडियो है वो पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।